एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए विवादास्पद बयान दिया। यूपी के बलरामपुर में एक कार्यक्रम में ओवैसी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जानबूझकर एनकाउंटर के बहाने मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आरोप ओवैसी की तरफ से ओवैसी ने आंकड़े गिनाते हुए दावा किया कि 2017 से 2020 तक यूपी में जितने एनकाउंटर हुए हैं उनमें से 37% मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। ओवैसी ने इसे यूपी के मुस्लिमों पर जुल्म बताया है। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? यूपी में पिछले 4 साल में हुई मुठभेड़ को धर्म से जोड़ने की कोशिश पर बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ओवैसी को नसीहत देते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि वो पहले उन लोगों को समझाएं जो इतना ज्यादा अपराध करते हैं और जो कानून तोड़ेगा यूपी में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने परसेंट मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव है कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए, भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं। बीजेपी ने ओवैसी के इन आरोपों पर पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता पर अपराधियों का धर्म होता है। मुठभेड़ के ये आंकड़े ये भी तो बता रहे हैं कि खूंखार अपराधों में सबसे ज्यादा कौन शामिल है।